तरीके से सुन रहे हैं। दोबारा है बॉलिंग के लिए और खतरनाक अंदाज में खेलते सनी बनाने और ये ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। काफी जबरदस्त रोमान अजीज रोमी वाचिंग है ईगल खान ने मेरा नाइस मैच नाइस शॉट सनी पठान की जबरदस्त अंदाज में फाइनल की पोजीशन पर 6 रन के लिए। इसी शॉट के लिए सनी पठान जो है वो जो है जाने जाते हैं। सनी पठान दोबारा बैटिंग के लिए तैयार हुए। थक थक उनका बैट आवाज दे रहा है धड़ रहा है बॉलिंग के लिए और जबरदस्त अंदाज में सनी पठान खेल दिया लेकिन ये जो है देखना होगा अंपायर का इशारा। 4 रन के लिए लगातार 2 बाउंड्री रसीद कर दी सनी पठान ने। टारगेट कितना है 46 रन का टारगेट है। 7 ओवर के खेल में 46 रन का टारगेट दिया। काफी अच्छी बॉलिंग की ब्रदर ने। अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं ब्रदर 11 वाले। सनी पठान दोबारा से थक थक बैट कर रहा है। देखना यह है कि किस तरह इस टारगेट को अचीव करते हैं। सनी पठान पेशावर के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। बहुत जबरदस्त प्लेयर और खतरनाक अंदाज में बॉलर 6 विकेट की पोजीशन पर 6 रन के लिए सनी पठान एक और। मोहम्मद सज्जाद अफरीदी ने भी जॉइन कर लिया। मोहम्मद अब्बास भी वॉचिंग कर रहे हैं जबरदस्त। थैंक यू मोहम्मद अब्बास सज्जाद अफरीदी ज्वाइन करने का। सनी पठान ने लगातार थैंक यू साजिद खान आपकी कमेंट्री का फन हो गया फैन हो गया। थैंक यू साजिद पठान। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह फैन रहे हमें इसी तरह सब्सक्राइब करते रहे तो हम दोबारा बोलेंगे। सनी पठान जबरदस्त बैट्समैन पिशावर के आप इनको लाइक कर सकते हैं। बहादुर अब्बास साजिद इस्लाम ने भी ज्वाइन कर दिया है दोबारा बॉलिंग के लिए और सनी पठान ने बढ़ा दिया अंदाज में थर्ड मैन की पोजिशन पर ये 4 रन के लिए। उनसे बॉल की थोड़ी सी जो है स्पीड जो है मिस हुई है और सनी पठान ने पूरा फायदा उठाया है और अब बैटिंग के लिए आए हैं पिशावर के एक और ऐसे प्लेयर कि जो हमें खाली जो है नाइटों में नजर आते हैं रियाज बहुत अच्छे खिलाड़ी है। रियाज से पूछा जाएगा कि ये कहां से ताल्लुक रखते हैं। रियाज भाई तकाल से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ हमें नाइटों में ब्रदर की तरफ से नजर आते हैं। 2016 के फाइनल्स में इन्होंने 60 रन बनाए थे। बड़ी अच्छी बैटिंग की थी रियाज ने जब तमाम टीम आउट हो गई थी। सनी को साथ दूसरा बैट्समैन कौन है ये रियाज है रोमान अजीज रोमी भाई ये हमारे पास जो है ये रियाज भाई हैं। मोहम्मद सज्जाद अफरीदी और आपका नाम क्या है इबाद भाई भी जो है ये काफी मशहूर खिलाड़ी हैं। उनको मैं पहचान चुका हूँ ये हमारे साथ एक दफा खेल भी चुके हैं। ये भी एक दो जोड़ी है इबाद और इनके साथ एक और प्लेयर होता था मुझे नाम उसका भूल गया असद और इबाद ये दो एक जोड़ी थी राइटी और लेफ्टी की। दोबारा आया यार रियाज बॉलिंग के लिए अयाज और अयाज की बॉल को जबरदस्त फाइनल की पोजीशन पर 4 रन के लिए अयाज ने। जिस तरह यही रियाज जो है इसी बॉल के अच्छे मैचेस खेलते रहते हैं और मुझे इनके एक दोस्त ने कहा था कि इनको आप बुला सकते हैं मैचों के लिए। अयाज है दोबारा बॉलिंग के लिए और सनी पठान ने जबरदस्त अंदाज में खेल दिया और ये हमारे पास बड़ी सी पोजीशन पे फिल्डर के लिए कोई मौका नहीं। और जो सनी के लिए कहते थे कि सनी जिस हिटिंग के लिए मशहूर थे आज वही हिटिंग खेल रहे हैं। सनी लव यू सनी। इरफान खान ने हमें ज्वाइन कर दिया है। वक्कार रहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया हमें वॉच कर रहे हैं जे इस वॉचिंग ये मोहम्मद मुदस्सर मोहल्ला में वॉचिंग कर रहे हैं जबरदस्त। थैंक यू जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे पता नहीं अभी थोड़े से मुश्किल सिखा रहे हैं लेकिन सनी सामना करेंगे आज का और सन बहुत ही जबरदस्त मिडिल पोजीशन पर सनी ऐसी गैप की शॉट खेल रहे हैं कि मुझे इस मैच को सुपर इसका बड़ा मजा आ रहा है। सनी शॉट सरदार करेंगे लगता है सनी इंशाल्लाह इस बार पे भी छक्का ही मारेंगे और दोबारा ये फौजी सनी छक्का मार दिया और इस तरह हमने इसकी पेशेंट गोई की थी कि सनी इस बॉल पे छक्का मारेगा। वाचिंग आहा जबरदस्त थैंक यू इरफान खान आपके प्यारे फारूकी बड़े देर बाद हमें ज्वाइन किया और अब जबरदस्त फाइनल की पोजीशन पे अयाज रियाज ने छक्का रसीद कर दिया। रियाज नाइट में मेरे ख्याल में ये बंदे अंधेरों में ही नजर आते हैं और आपको खुशखबरी सुनाई जाए कि ब्रदर 11 ये मैच जीत चुकी है और इस तरह ही नहीं 1 रन दरकार है और एक रन दरकार है इस मैच को जीतने के लिए और हम फौरन ही ब्रदर 11 के खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे। सनी पठान से आपकी बात करेंगे और जबरदस्त अंदाज में खेल दिया।